तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद बढ़ते हैं अपने अगले सिद्धांत की ओर जो कि है बर्नॉलिस प्रिंसिपल बच्चों बर्नॉलिस प्रिंसिपल क्या है और यह कैसे काम करता है इसका क्या महत्व है बर्नॉलिस प्रिंसिपल्स रिलेट्स द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ पाइप टू बोथ वेलोसिटी चेंजेस ऑफ फ्लूइड एंड एलिवेशन चेंजेस ऑफ पाइप जैसा कि आप देख सकते हैं बनॉलिस प्रिंसिपल बताता है कि किस तरीके से पाइप के दो अलग अलग हिस्सों में जो प्रेशर डिफरेंस होता है वो वेलोसिटी चेंज और पाइप के एलिवेशन चेंजेस पे डिपेंड करता है या यूँ कहें कि यह प्रेशर डिफरेंस किस तरीके से फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी और उसकी पोटेंशियल एनर्जी पर निर्भर करता है कैसे इन दोनों ही चीज़ों से ये रिलेटेड है यानी कि पाइप में फ्लूड के फ्लो के दौरान जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ डिफरेंट वेलोसिटी एंड डिफरेंट हाइट्स वो प्रेशर डिफरेंस का काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से जो रिलेशनशिप है वो हमें बर्नॉलिस प्रिंसिपल के द्वारा मालूम चलता है जैसे कि आप देख भी सकते हैं इस एनिमेशन में जो पहला सिरा था पाइप का वो एच वन हाइट पर था और दूसरा सिरा एच टू हाइट पर था अब चूंकि क्रॉस सेक्शन एरिया पाइप का डिफरेंट होने के कारण हमें पता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से फ्लूड की दोनों ही एंड्स पर वेलोसिटी भी अलग अलग होगी और इसी वजह से इन दोनों ही एंड्स पे फ्लूड का प्रेशर भी डिफरेंट होगा अब ये आपस में कैसे रिलेटेड होते हैं ये हम जानेंगे आगे बढ़ते हुए और साथ ही साथ इसका डेरिवेशन भी हम करेंगे समझेंगे कि कैसे छोटी छोटी क्वांटिटीज आपस में रिलेटेड हैं एक बेसिक एक सिंपल परिचय दिस प्रिंसिपल वॉज गिवन बाय स्विस साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियन डैनियल बर्नौली ये स्विट्जरलैंड के साइंटिस्ट थे और मैथमेटिशियन थे इन्होंने ये सिद्धांत दिया और इसका जो बेसिक कोर है दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन पे ये सिद्धांत बेस्ड है तो बेसिक स्टेटमेंट अगर हम इसे समराइज करें मैथमेटिकली तो जितना एनर्जी का इनपुट होता है फ्लूड के साथ प्लस हम उस पर जितना वर्क करते हैं ये पूरा का पूरा एनर्जी आउटपुट एनर्जी के फॉर्म में फ्लूड जब एग्ज़िट करता है तो उस आउटपुट एनर्जी के फॉर्म में ये टोटल वर्क डन एंड इंटरनल एनर्जी ये डिस्प्ले होती है बढ़ते हैं डेरिवेशन की ओर एक पाइप कंसीडर करते हैं जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म नहीं है अब एक बात ज़रूर ध्यान रखेंगे बच्चों कि ये जो हम बर्नॉलेज प्रिंसिपल डिराइव कर रहे हैं ये हम आइडियल फ्लूड के लिए डिराइव कर रहे हैं आइडियल फ्लूड की मैं फिलहाल दो प्रॉपर्टीज़ बता दूं कि फ्लूइड फ्लो करते वक्त स्ट्रीमलाइन स्टीडी फ्लो मेंटेन रखेगा दूसरा पॉइंट फ्लूड इनकम्प्रेसिबल है यानी कि फ्लो के दौरान कहीं पर भी फ्लूड की डेंसिटी चेंज नहीं होगी तो आगे बढ़ते हैं ये एक पाइप हमें दे रखा है नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का कंसीडर करते हैं पहला जो सिरा है जो पहला एंड है पाइप का उसका एरिया है ए वन ये क्रॉस सेक्शन एरिया ये सिरा पाइप का अर्थ की सरफेस से एच वन हाइट पर है और दूसरा पाइप का दूसरा सिरा जिसका एरिया ए टू है वो अर्थ से एच टू हाइट पर है फ्लूड जब ए वन एरिया पे फर्स्ट एंड से एंटर करता है तो फ्लूड का प्रेशर पी वन होता है साथ ही साथ वो वी वन वेलोसिटी से पहले एंड पे एंटर करता है लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं सारे वेरिएबल्स सब्सक्रिप्ट वन से रिप्रेजेंटेड हैं जब वो राइट right साइड में आपके दूसरे पाइप के दूसरे एंड से फ्लुइड एग्जिट करता है उसकी वेलोसिटी वी टू होती है और उसका प्रेशर पी टू होता है तो अगर हम कंसीडर करें कि वाइल एंटरिंग इन द पाइप एंड वाइल एग्जिटिंग इन द पाइप वी कैन से दैट एक टाइम पीरियड टी में वह पाइप में एंटर करते वक्त डी वन डिस्टेंस कवर करता है और एग्जिट करते वक्त डी टू डिस्टेंस कवर करता है तो बच्चों एक बार आप ध्यान से देख लें फिगर आप ड्रॉ कर सकते हैं अपनी कॉपी में एक एक वेरिएबल का ध्यान रखना है बच्चों आपको लेफ़्ट एंड साइड के जो पाइप का जो एंड है उसका एरिया ए वन रखना है एलिवेशन एच वन रखना है जब फ्लूड एंटर करता है वह वी वन विलासटी से पी वन प्रेशर से एंटर करता है जब वह एग्ज़िट करता है तो वो वी टू विलासटी और पी टू प्रेशर से एग्ज़िट करता है वेलोसिटी बच्चों इस वजह से चेंज होती है क्योंकि हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एग्ज़िट एंड यानी कि जिस सिरे से पानी बाहर निकल रहा है वो एरिया भी चेंज हो गया है सो आफ्टर ड्राइंग द फिगर वेरी क्लियरली हम मैथमेटिकल पार्ट में जाते हैं इसके तो बच्चों एनर्जी कंजर्वेशन हमें यह बताती है कि फ्लूइड की जो इनिशियल एनर्जी होती है वाइल एंटरिंग द फ्लूड प्लस जो हम फ्लूड पे वर्क करते हैं जिसकी वजह से वो एक एलिवेशन गेन करती है और फिर वापस निकलती है एक डिफरेंट एनर्जी से तो वो जब बाहर निकलता है फ्लूड तो जो उसके पास एनर्जी होती है वो फाइनल एनर्जी होती है फ्लूड की एंड दैट फाइनल एनर्जी ऑफ फ्लूड इज इक्वल टू द सम ऑफ इनिशियल एनर्जी ऑफ फ्लूड प्लस द एक्सटर्नल वर्क डन ऑन फ्लूड तो ये बेसिक प्रिंसिपल है इसी आधार पर हम आगे बढ़ते हैं तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द फ्लूड सिस्टम इज इक्वल टू एफ वन डी वन माइनस एफ टू डी टू अगर हम डी वन की बात करें तो डी वन वो डिस्टेंस है जो फ्लूइड एंटर करते वक्त कवर करता है और एफ वन वो फोर्स है जिस फोर्स से फ्लूइड एंटर करता है सो इट मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर इन टू एरिया पी वन ए वन सिमिलरली एफ टू मस्ट बी इक्वल टू पी टू ए टू सो द एक्सटर्नल वर्क डन ऑन द फ्लूइड सिस्टम इज इक्वल टू पी वन वी वन माइनस पी टू नाउ एक बात हमें पता है बच्चों कि लिक्विड हमारा इनकम्प्रेसिबल है तो इसका मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जितना वॉल्यूम ऑफ फ्लुइड चूँकि डेंसिटी तो हमने कांस्टेंट मानी ही है तो मास ऑफ़ फ्लूड एंटरिंग इज इक्वल टू मास ऑफ़ फ्लुइड एग्जिटिंग एंड तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम तो डेंसिटी अगर बराबर है तो बराबर वॉल्यूम भी फ्लूड का एंटर और एग्जिट करना चाहिए दैट मीन्स V1 वन इज इक्वल टू वी टू इज इक्वल टू वी सो एक्सटर्नल डन ऑन द फ्लूड सिस्टम कैन बी रिटर्न एज पी वन माइनस पी टू इंटू वी अब बच्चों बस हमें इनिशियल और फाइनल एनर्जी के एक्सप्रेशन लिखने हैं तो अगर हम टोटल इनिशियल एनर्जी ऑफ फ्लूड सिस्टम कंसिडर करें सो so दैट टोटल इनिशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्लूड सिस्टम एट वन यानी कि लेफ्ट एंड पे प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूड सिस्टम वाइल एंटरिंग द पाइप प्लस ई नॉट ये बच्चों ई नॉट जो है ये सिस्टम की एनर्जी है ये रेफरेंस वैल्यू है सो इनिशियल एनर्जी कैन बी रिटर्न एज अच्छा बच्चों पोटेंशियल एनर्जी होती है एम जी एच तो मास को हमने लिखा है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम एंड जी एच एज यूजल सिमिलरली यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन में भी जो कि हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होता है मास को हमने डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से सब्सिट्यूट किया है इसी पैटर्न पर हम फाइनल एनर्जी ऑफ फ्लुइड सिस्टम ई फाइनल का भी एक्सप्रेशन लिखते हैं विच इज़ इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट दी सेकेंड एंड ऑफ पाइप प्लस काइनेटिक एनर्जी एट दी सेकेंड एंड ऑफ पाइप प्लस द रेफरेंस वैल्यू ऑफ एनर्जी सिस्टम सो ई फाइनल कैन ऑल्सो बी रिटर्न रो जी वी एच टू प्लस हाफ रो वी वी टू स्क्वायर प्लस ई नॉट क्योंकि बच्चों जो हमारा दूसरा एंड है जहाँ से फ्लूड एग्जिट कर रहा है वो एच टू हाइट पर है और वहां से फ्लूड एग्जिट करते वक्त V2 वेलोसिटी से एग्जिट करता है इस वजह से काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन में हमने V2 स्क्वायर लिखा है तो बच्चों जो हमारा पहला एक्सप्रेशन था दैट E इंटरनल और E इनिशियल प्लस वर्क डन एक्सटर्नल वर्क डन ऑन फ्लूड सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी ऑफ फ्लूड सिस्टम ये जो मेन एक्सप्रेशन था उसमें हम ई इनिशियल ई फाइनल और एक्सटर्नल डन के एक्सप्रेशन पुट करते हैं तो हमें फाइनल इक्वेशन कुछ इस प्रकार से मिलता है तो ये रहा हमारा फाइनल एक्सप्रेशन और अभी हम इसे सब्स्टिट्यूट करके एक सारे वन वाले वेरिएबल एक तरफ और टू वाले वेरिएबल एक तरफ ले जाएंगे तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा और इसे सॉल्व करते हैं तो अगर आप देखें बच्चों कि ऊपर वाले इक्वेशन और नीचे वाले इक्वेशन में एल और आर दोनों ही तरफ ई नॉट आ रहा था जिसे हमने कैंसिल कर दिया तो फाइनली सॉल्व करने पे एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके का नज़र आता है P1 वन प्लस रो जी एच वन प्लस हाफ़ रो वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू तो पी टू प्लस रो जी एच टू प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर तो बच्चों इसे मैं फाइनली इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ दैट पी प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऐसा मैं इस वजह से लिख पा रहा हूँ बच्चों क्योंकि वन और टू बस हमारे पाइप के दो पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं बट ये किन्हीं भी दो पेयर ऑफ क्रॉस सेक्शंस के लिए ये ट्रू है ये वैलिड है तो इन जनरल द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट और ये किन के लिए वैलिड होता है बच्चों ये हमारे आइडियल फ्लूड्स के लिए वैलिड होता है जो स्ट्रीमलाइन स्टीडी फ्लो मेंटेन रखते हैं साथ ही साथ वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं सो फाइनली स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर अकॉर्डिंग टू बर्नॉलिस प्रिंसिपल इफ़ आइडियल फ्लूड मूव्स अलॉन्ग अ स्ट्रीम लाइन देन समर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टेंट तो ये रहा आपके बनौलिस प्रिंसिपल का फाइनल स्टेटमेंट जहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रेशर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी किसी फ्लुइड सिस्टम के लिए किसी आइडियल फ्लूड सिस्टम के लिए किस तरीके से रिलेटेड है अब बच्चों चूंकि मैंने आपको शुरू से ही सिर्फ दो प्रॉपर्टीज़ बताई हैं आइडियल फ्लूड्स की पहला कि वो स्ट्रीमलाइन फ्लो मेंटेन करना चाहिए दूसरा वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए दो और प्रॉपर्टीज़ और होती हैं तीसरी प्रॉपर्टी बच्चों कि फ्लूड नॉन विस्कस होना चाहिए नॉन विस्कस मतलब चिपचिपा नहीं हो वो फ्लूड की डिफरेंट लेयर्स में जब वो फ्लो करें तो उनके बीच में घर्षण ना हो उनके बीच में फ्रिक्शन ना हो तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आइडियल फ्लूड को पजेस करनी चाहिए और चौथी एक और प्रॉपर्टी दैट फ्लूड शुड नॉट सो एनी रोटेशनल इफेक्ट एनी रोटेशनल इफेक्ट मतलब कि आपने देखा होगा कि जैसे अगर हम बाल्टी में पानी भरते हैं और उसमें हम डिटर्जेंट पाउडर घोलते हैं तो जब हम उसे शेक करते हैं हम उसे घुमाते हैं तो एक रोटेशनल इफेक्ट क्रिएट होता है या वर्लपूल्स टाइप की कर, की चीज़ें इस तरह का एक आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं तो एक आइडियल फ्लूड वो फ्लूड होता है कि अगर मैं उसमें कोई बॉल या कोई ऑब्जेक्ट गिराऊं, तो वो ऑब्जेक्ट अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट नहीं करना चाहिए यानी किसी भी तरह का फ्लूड को रोटेशनल इफेक्ट पजेज नहीं करना चाहिए तो ये चारों फैक्टर्स मिलके एक आइडियल फ्लूड को डिफाइन करते हैं जैसे कि वेंचुरी मीटर हो गया पिटॉट ट्यूब हो गई ये काफ़ी अच्छे एप्लीकेशंस है बनॉलिज प्रिंसिपल के वेंचुरी मीटर के बारे में हम डिटेल में आगे आने वाले कंसेप्ट वीडियो में पढ़ेंगे जैसे ट्रिगर स्प्रे गन आप जब हेयर सेलिन जाते हैं अपना हेयर कट कराने तो आपने ज़रूर ये देखा होगा कि इस मशीन का प्रयोग करते हैं हेयर डेसर आपके बालों को भिगाने के लिए कि किस तरीके से प्लेन जो है ऊपर उठता है आसमान में किस तरीके से क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो उसे एक लिफ्ट प्रोवाइड करते हैं ये सभी इन पे बेस्ड हम कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जिससे आपको इनके एप्लीकेशन बनौली प्रिंसिपल के और भी स्पष्ट हो जाएंगे